नमस्कार। आज हम ऐसे विद्यार्थियों के साथ में बैठे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में बैठे हैं जिनकी पढ़ाई करने का ढंग शायद आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब बच्चा दसवीं में आता है तो उसके सबसे बड़ा जीवन का सबसे पहला जो बड़ा माइलस्टोन आता है वो आता है टेंथ बोर्ड। उसका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि मैं अपने टेंथ बोर्ड को अच्छे मार्क्स से कैसे क्लियर करूं। लेकिन शिक्षा के एक नवाचार के रूप में कुछ चीज़ें आप ऐसे भी देखेंगे, जब जो बच्चे टेंथ बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उसके 6 महीने पहले ही वो 11th को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अब फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि 10th बोर्ड का एग्जाम आने के ऑलमोस्ट 6 महीने पहले ही वो अपने 11th की स्टडी को स्टार्ट कर देंगे, यानी वो अपनी 11th और 12th और उसके पश्चात में उनका जो भी जी नीट जो भी सपना है उस जेई या नीट को क्लियर करने के 6 मंथ्स उनके पास में एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ऐसे ही बच्चों का एक ग्रुप मेरे साथ में बैठा है, मेरे बाई ओर बैठी है गुंजन। गुंजन जालान जो है वो NTC आपका क्लियर हो चुका है, STSC क्लियर, आप STSC और NTSC इसके दोनों क्लियर हो चुके हैं, 10th हो गया और अभी आप जो है वो JEE प्रिपरेशंस में आप अपना काम कर रही हैं। मेरे बिल्कुल दाई ओर जो बैठा है वो अमन है। अमन भी एक ऐसा, मैं इसी के मुंह से सुनना चाहूंगा, अमन कॉम्पिटेटिव एग्जाम कौन कौन से क्लियर कर लिया आपने? NTSC STSC और IGSU की फर्स्ट स्टेज मैंने आपने क्लियर कर ली है। और बिल्कुल अमन के बिल्कुल दाई ओर बैठा है मयंक। मयंक भी एक ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा सा बोलने में जरूर मतलब ऐसे शाई नेचर का है लेकिन पढ़ता बहुत जबरदस्त तरीके से है। और ये तीनों के तीनों स्टूडेंट्स हमारे अर्ली मोमेंटम बैच के स्टूडेंट हैं। अर्ली मोमेंटम बैच कौन सा बैच होता है? जिसमें आप अपने 11th की प्रिपरेशंस को दिसंबर में ही स्टार्ट कर देते हैं। यानी आप जब लोग अपने 10th बोर्ड के बारे में सोच रहे होते हैं एग्जाम कैसे देना है, उस समय तो आप अपने 11th और 12th के बारे में सोचना स्टार्ट करके उस पर वर्क करना भी स्टार्ट कर देते हैं। आप तीनों जो है अर्ली मोमेंटम बैच के स्टूडेंट रहे हैं। और एक नॉर्मल यदि मैं मेरी देखूं कि जब मैंने अपना 10th किया था तो हमारे तो 10th के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। ऐसे में 10th बोर्ड सामने होते हुए भी 11th को स्टार्ट कर देना, ये हिम्मत का काम था। कैसा लगा ऐसा करके? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो बहुत सारा टाइम बच गया और जो सिलेबस बहुत बड़ा होता है JEE का, वो सिलेबस हमारा जल्दी कम्प्लीट हो गया। हमें अब औरों से ज़्यादा टाइम मिलेगा रिविजन करने के लिए, और जो हमारे डाउट्स हैं जो पहले एक बार हमने पढ़ा है उसमें जो डाउट्स रह गए वो क्लियर करने में भी हमें मदद होगी इससे। गुंजन, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि पापा बिजनेस में है और मुझे लगता है कि जब बच्चा 10th में होता है तो फैमिली का कंसर्न ये रहता है कि पहले अपन बोर्ड के ऊपर फोकस कर लें। ऐसे में जो अर्ली मोमेंटम बैच आपने स्टार्ट करा, क्या मैट्रिक्स में आने से पहले इस तरह की कोई एजुकेशनल कॉन्सेप्ट आपने सुनी थी कि 10th पढ़ते हुए 11th को स्टार्ट कर देना? सर, मैं 9th में मैट्रिक्स मैंने ज्वाइन की, बट जब मैं 8th में थी तब मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था, मुझे ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या ओलम्पियाड्स के बारे में कोई आइडिया था। बट जब मैं मैट्रिक्स में आई, टीचर्स ने गाइड किया, सपोर्ट किया, अलग अलग ओलम्पियाड्स की प्रैक्टिस की प्रिपरेशन करवाई। उसके बाद जब हम 10th में थे, हम लोग हमारे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस टाइम टीचर्स ने इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया कि हमें बोर्ड इज़ अ सेकेंडरी थिंग, कि हमें पहले हमारे फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। तो मैं मेरे पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी और टीचर्स तो हमेशा है ही मेरे साथ। ओके, नॉर्मली ऐसा होता है कि अमन ऐसा करते हैं कि जब अपन 10th में होते हैं और उसमें हमने 11th भी स्टार्ट कर दिया तो दिखने में ऐसा दिखता है कि हम पर बहुत सारा बर्डन आ गया, लेकिन हमारे पास 6 मंथ्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो वाकई में ये बर्डन होता है कि रिलैक्सेशन होता है? ये बर्डन तो बिल्कुल भी नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगता है कि बर्डन है लेकिन फिर हमारे पास तो औरों से ज़्यादा टाइम मिल रहा है हमें, तो इसलिए बर्डन ये बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है हमें, और टेस्ट भी हम एक्स्ट्रा ज़्यादा दे सकते हैं सिलेबस एक बार पूरा होने के बाद। ओके, बैंक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अर्ली मोमेंटम बैच? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक, तो इसमें ज्वाइन करने के बाद तो स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। स्ट्रेस तो इस बात का होता है कि हमारी तैयारी लेट शुरू नहीं हो जाए, जल्दी शुरू होनी चाहिए। ओके, अच्छा एक बात बताओ, सब लोग चूंकि ये जो उम्र होती है वो खेलने कूदने की उम्र भी होती है, आप लोग खेलते कूदते हो, गेम्स कौन सा पसंद है आपको? वॉलीबॉल पसंद है। वॉलीबॉल ज्यादा पसंद है। वॉलीबॉल में सबसे की पॉइंट माना जाता है कोऑर्डिनेशन, टीम के पूरा कोऑर्डिनेशन हो। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट के करियर में भी एक वॉलीबॉल की टीम की तरह का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 3 चीजों का, स्टूडेंट का खुद का, उसका डेडिकेशन टीचर्स की, और सबसे बड़ी बात है पूरी स्टडी की प्लानिंग, क्योंकि तीनों का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो तो रिजल्ट्स बेहतर आ पाते हैं। ऐसे में आपको लगता है क्या कि उस गेम ने और इस अर्ली मोमेंटम बैच में कुछ समानताएं आपको देखने को मिली?
हाँ, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स को कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कोई डाउट पूछने के लिए। और एक चीज और मुझे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, खेलने का समय मिल पाता है? अब तो खेलने का तो कोई ग्राउंड भी नहीं है घर के आसपास, तो कोई लेकिन वैसे आपके पास रिलैक्स हो आप, आपको कोई मतलब ऐसे प्रिपरेशंस को लेकर के जिसको बोलते हैं जल्दबाजी करना या कुछ और करना, उसकी आपको किसी तरह से कोई टेंशन नहीं, इसमें नहीं। गुंजल, क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं, आपको क्या लगता है कि इसके वाकई में अर्ली मोमेंटम मैच को यूं कह सकते हो कि किसी चीज को जल्दी शुरू कर दे? वैसे कहा जाता है कि जल्दी शुरू करोगे तो जल्दी पहुंचोगे। मेरी दीदी है, वो मुझे कहा करती है कि सबके पास 24 आवर्स होते हैं, दिन भी आपके पास काम करने को मिलता है, अब उस दिन को आप बड़ा बनाना चाहते हो तो एक ही तरीका कि सुबह जल्दी उठो, क्योंकि जितना जल्दी उठोगे उतना ही दिन आपका बड़ा बनेगा, क्योंकि सोते समय सभी लोगों को शाम होने के बाद भी चीजें अपने आपने ऐसे भी सो जाती है। तो वैसे ही यदि हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए ज्यादा समय चाहिए, उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन अर्ली मोमेंटम ही लगता है। आपको क्या लगता है इसके क्या बेनिफिट वास्तव में मिलते हैं स्टूडेंट? सर, जैसे कि हम हमारा सिलेबस जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं तो हमारा जो हमारे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो 6 मंथ्स होना किसी भी जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके उससे उसे सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है, जिसमें वो अपने डिटर्मिनेशन के साथ अगर प्रैक्टिस करे, पेपर्स सॉल्व करे, प्रीवियस ईयर पेपर्स और भी ओलंपियाड टेस्ट सीरीज होती है उन सब की प्रैक्टिस करे, तो उस वो हर एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुका होता है उस टाइम तक, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है अर्ली मोमेंटम का। सेकेंडली कि जो अगर हम जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं उससे हमें हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना आता है, तो ये सब भी उसी में होता है। मतलब ये जो 6 मंथ आपको मिलते हैं तो आई थिंक आपके टेस्ट भी होते होंगे, पर डे टेस्ट चलते होंगे या कुछ मार्क्स क्वेश्चंस दिए जाते होंगे आपको पर डे? मतलब होमवर्क तो हर दिन मिलता है, और अब तो 11th का सिलेबस तो हमारा पूरा हो चुका है, तो रिविजन के लिए कुछ हर चैप्टर से 100 to 150 questions मिलते हैं अब। ओके, और फिर तो जैसे आपने, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा जो मेरे अभी दिमाग में आ रहा है कि आपने 10th पढ़ते हुए 11th शुरू कर दिया था, तो 11th पढ़ते हुए 12th शुरू हो चुका है क्या? हाँ, होने वाला है, मतलब अभी 11th अभी खत्म हुआ है। अच्छा, 11th का भी कोर्स खत्म हो गया। हाँ, पर अभी आप 12th को स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब उसमें भी आपके पास वही 6 महीने एक्स्ट्रा आपको मिल जाने वाले हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके ओलंपियाड्स वगैरह जो आपने कौन कौन से क्लियर किए, आपने कौन कौन से कर लिए हैं? तो NTSC, HTSC और NMTC की स्टेज 1 क्लियर की, वो आपने क्लियर कर लिए, मतलब 10th बोर्ड के साथ में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आपने बहुत आसानी से दिए हैं। 10th में कितने कितने मार्क्स आपके? 10th में एग्जाम तो नहीं दे पाए लेकिन 94% 94 है आपके? 97 94, मतलब 10th भी शानदार हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओलंपियाड्स भी सब अच्छे से हो गए और जीई की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जो आपके जूनियर्स हैं, और हमारे एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई बच्चा पढ़ा होता है ना, उससे हमारा जो जूनियर होता है प्रीवियस क्लास का, उसको दुनिया में कोई कुछ भी कह दे लेकिन वो अपने सीनियर से कंसल्टेशन करना चाहे, तो आपके जूनियर से भी आपको पूछते हैं इस बारे में, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अर्ली मोमेंटम जैसी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिस नहीं करनी चाहिए। ओके, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर वो अपना गोल जेई सेट कर चुके हैं और डेडिकेटेड हैं, एफर्ट्स मारने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू यू इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ओके, आपको क्या लगता है? उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, ये उनके लिए ही बेनिफिशियल है कि वो औरों से ज़्यादा समय उनको मिलेगा और इस ये उनके रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट पे भी रिफ्लेक्ट करेगा ये। ओके, बैंक आपका क्या मैसेज है? उनको ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, उनको इसे दोनों हाथों से लेना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए, जो फायदा उठाना चाहिए। नींद कितनी ले पाते हो, कितने घंटे सो पाते हो, कितने घंटे सोते हो? सर, 7 आवर्स नॉर्मल, 7 आवर्स, यस, 7-8 आवर्स आराम से, मतलब चूंकि आपके पास समय इतना ज्यादा है कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए, आप सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, आपका करियर जिस भांति बढ़ रहा है, चाहे वो, चूंकि एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, 10th 11th में आते आते सोचते ही नहीं कि NTSC HTSC अदर ओलंपियाड जो साइंस मैथ्स या फिजिक्स ओलंपियाड्स हैं, ये हमारे लिए जब हम लोग जी कर लेते हैं उसके बाद में भी एक बड़े हमारे करियर की अपॉर्चुनिटी को ये लेकर के आते हैं। तो आप सब लोग अर्ली मोमेंटम के स्टूडेंट बनकर ये सब गेन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खूब अच्छा करें, खूब अच्छा पढ़ें। और मैं जितने दर्शक हैं जो सुनने वाले, उनको मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा में बहुत नवाचार आ गए हैं, और एक समय था जब हम सब लोग बहुत ट्रेडिशनल वे में अपनी स्टडीज को करते थे, लेकिन आज के समय में आपको नवीन ढंग से, नए सिरे से, नए तरीके से सोचना पड़ेगा, और आपको जो समय है उसी को और बड़ा बनाना पड़ेगा। उसका सबसे बेस्ट उपाय जो है वो अर्ली मोमेंटम बैच है, और इस कॉन्सेप्ट को हमने दिया भी है, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो रिजल्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं,
वो आप सबके सामने है। तो आप भी इस पर विचार करिए, अपने बच्चों को प्रणाली मोमेंटम के माध्यम से उनके करियर को नई दिशा बहुत जल्दी देने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।